इंडिया में रानू मंडल एक वायरल शख्स है। दोस्तों आपको बता दूं कि रानू मंडल रानाघाट स्टेशन में रहने वाली एक बुजुर्ग है जो कि लता मंगेशकर के गाने गाकर रेल यात्री से पैसा लेकर गुजारा करती थी, जिसके गाने सुनकर एक यात्री ने छोटी सी वीडियो कार्ड के सोशल मीडिया में अपलोड किया था जो कि आज वायरल हो गया है। लता मंगेशकर की वो गाने थी एक प्यार का नगमा था। हाय दोस्तों, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं इनटेक। ये वीडियो वायरल होने के बाद रानू मंडल आज सुपरस्टार हो गई है। ये वीडियो जो वायरल किया था वो रानाघाट की रहने वाले अतिंद्र चक्रवर्ती है। वीडियो वायरल होने के बाद सोनी एंटरटेनमेंट चैनल एक रियलिटी शो में रानू जी को बुलाया था, जहां पर रानू जी ने एक छोटी सी गाना गाया था। वही गाना सुनकर मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया रानू मंडल को अपनी खुद का अपकमिंग मूवी हैप्पी हार्डी एंड हीर मूवी में गाने गाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। जो गाना है तेरी मेरी कहानी, ताकि रानू मंडल नेट जगत की ट्रेंडिंग सुपरस्टार हो गई है। अब चलिए तेरी मेरी गाने सुन लेते हैं एक बार। और दोस्तों इस गान को गाने के लिए हिमेश रेशमिया जी ने रानू जी को 7 लाख रुपया देने वाले थे, लेकिन रानू जी ने ये रुपया लेने से इनकार कर दिया, जो कि बाद में हिमेश रेशमिया फोर्स करके ये रुपया दिया था उसको। ये बात जरा सी सच नहीं है। रानू जी को भगवान यानी अतिंद्र चक्रवर्ती ने ये बताया है कि हिमेश सर जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रानू जी को इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, यही सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों तेरी मेरी कहानी जो गाने गाकर रानू जी और वायरल हो गया था, और इसका पॉपुलरिटी और फैन बेस देखकर बॉलीवुड भाईजान यानी कि सलमान खान अपने अपकमिंग मूवी दबंग 3 में गाने गाने के लिए खुद सलमान खान रिक्वेस्ट किया है रानू जी को। दोस्तों आपको मेन और एक बात बता दूं कि बंगाल की मीडिया रानू जी का इंटरव्यू लेने के समय रानू जी अतिंद्र को भगवान का सर्वेंट यानी कि भगवान का चाकर कहा है। ये बात जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो गया, और इसके बाद अतिंद्र चक्रवर्ती ने अपने पेज पर बंगाली में एक छोटी सी पोस्ट किया है जिसका हिंदी मतलब है, मैं मानती हूँ मैं भगवान का सर्वेंट यानी कि भगवान का चाकर हूँ, रानू जी से जुड़े बुरे मत प्लीज बंद कर दे, और आप सभी उनके साथ में रहे, उनका सपोर्ट करें। और रानू जी की दिमागी हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और लास्ट में ये बात कही है कि रानू जी और उनके संबंध माँ बेटे की तरह ही है। और दोस्तों मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, प्लीज कोई भी उनके बारे में बुरी बात मत करिए, उनका सीरियसली दिमागी हालत ठीक नहीं है अभी। आप सभी रानू जी को बहुत सारा प्यार दे, और इस चैनल को अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, सुस्त रहिए, अच्छे रहिए। तेरी मेरी, तेरी मेरी।